हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा चैनल दिल द डी एच ब्लॉग में स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं। और इवनिंग के टाइम में अभी अभी जस्ट मैं आया हूँ मार्केट से, और यहाँ पे देखिए हमारी प्यारी सी फरजीन क्या कर रही है बैठ के। बहुत दिन हो गया, इससे अच्छी तरह से बात भी नहीं की, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं क्या कर रहे हैं ये। ये देखिए कितनी प्यार से यहाँ पे बैठ के क्या कर रही है। हाँ, हिंदी में बोल। हिंदी में नहीं बोल सकता। तो इसको मैंने पूछा क्या कर रही है, ये बोल रही है बैठी हुई यूं ही। तो ये प्याज लेके क्या कर रही है, है? इतना सारा प्याज लेके क्या कर रही है? क्या बनाएगा गाइस? विनेगर बनाएगा। की बनाएगा? विनेगर बनाएगा। और यहाँ पे देखिए ये पूरा बैठ के ना किचन में मतलब पका रही है कुछ। यहाँ पे देखिए इतना बड़ा चूल्हे में इतना बड़ा कढ़ाई बिठा के क्या कर रही है। क्या इसमें ये पूरा खाना पका रही है। तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? तो हेलो गाइस बोल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग नहीं है, इवनिंग है। गुड इवनिंग बोल। गुड इवनिंग। गुड गान। गुड गान। बोल बोल अच्छी तरह से बोल। गान कौन गांडू? कौन गांडू बे? तो गाइस आप लोगों ने देखा लापरवाही का नतीजा, ये मुझे गांडू बुला रही है। आजा आजा खाना खाते हैं, खाना खाते हैं। आजा मैं प्याज सिलता है। है क्या सिलता है? प्याज क्या करता है? अच्छा तो गाइस यहाँ पे फारजीन देखिए अभी चली जा रही है, चली जा रही है। मैं अभी तक मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया, तो देखते हैं आज खाने में क्या है। चलिए चलते हैं, अभी मैं हूँ किचन में, देखते हैं खाने में आज क्या है। तो गाइस देखिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अभी खाना सर्व कर दिया है। मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ खाने में आज क्या क्या है। तो गाइस यहाँ पे फारजीन मेरे साथ खड़े है। तू भी खाएगी क्या? तुम्हें खाए बा? तो गाइस देखिए यहाँ पे चावल है, ये सोयाबीन और चिकन का सब्जी बनाया है, और ये भी चिकन ही है। तो यहाँ पे साथ में प्याज दे दिया है। तो अभी चलिए खाते हैं। क्या बकरी है? चिकन गाड़ी। तुम खाना खाओगे? चिकन गाड़ी गोरी गाड़ी। क्यों क्यों मार रही है? तो गाइस चलिए मैं आप लोगों को दिखा दिया, चलिए अभी खाते हैं खाना, मजा लेते इसके। Hey guys, तो जस्ट अभी मैंने मेरा लंच खत्म किया है, तो बहुत ही अच्छा था खाने में, बहुत ही अच्छा लगा खा के। और यहाँ पे देखिए हमारी फारजीन सुबह से खाई जा रही है, खाई जा रही है, खाई जा रही है। अच्छा बराए दो, अच्छा बराए दो ना दुर्ना दुर्ना, तुम खाओ दुर्ना है तुर्ना। तो गाइस यहाँ पे देखिए फारजीन बैठ के खाना खा रही है। क्या खा रही है? खीर। क्या खा रही है तू? खा क्या रही है? और देखिए यहाँ पे मम्मी बैठ के पूरा खीर बना रही है आज। देखिए गाइस मैं थोड़ा थोड़ा मतलब फर्जिन को डिस्टर्ब कर रहा था, इसने पूरा का पूरा गाली दे दिया मुझे, मतलब बहुत ही ज्यादा गाली दिया। तो गाइस देखिए अभी मैं पूरा रेडी हो गया हूँ, मैं अभी जाऊंगा मार्केट, लेकिन इससे पहले मैं बाहर कुछ सीन दिखाता हूँ आप लोगों को। गाइज अभी बाहर जो आप लोगों ने सीन देखा वो छोटे बच्चे को बिठा के खीर खिलाया जा रहा था, क्योंकि हमारे गाय ने मतलब एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा मतलब बछड़ा जन्म दिया है, अभी 7 दिन ही हुआ है। तो एक रस्म की तरह ही होता है जो अच्छा माना जाता है। तो और गाइज देखिए यहाँ पे क्योंकि हमारे भैया घर पे अभी नहीं है, तो हमारे घर से यहाँ पे टिफिन में
आखिर पैक करके दे दिया है। वहाँ पे हमारा नौशद भैया है, सबूत भैया है और मेरे भैया भी है, तो तीनों मिलके खाएंगे। तो मैं एक टिफ़िन लेके जा रहा हूँ उन लोगों के लिए। मैंने नहीं खाया दोपहर में खाना, मतलब लंच टाइम में मैंने खाना अच्छी तरह से खा लिया था, तो आप पेट पूरा भरा हुआ है, तो इसलिए मैंने नहीं खाया, रात को खाऊँगा। देखिए यहाँ पे मेरा स्कूटी खड़ा हुआ था, लेकिन अभी कोई भी स्कूटी नहीं है, मेरे पापा लेके चले गए, मतलब मेरे पापा लेके फुर हो गई। देखिए इस बाइक को अभी मैं चलाने वाला हूँ, ये बाइक। यो कम ऑन वंस मोर, बोले एक चम्मच दे दे यहाँ पे, बस हो जाएगा, खींच 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 खींच, थैंक यू। तो गाइस अभी अभी मैं जस्ट आया हूँ घर, मुझे कहीं पे जाना है, मैं एक्चुअली तीनाली जाऊंगा, और यहाँ पे मेरे साथ मेरी भतीजी भी डायरेक्ट मेरे रूम में घुस गई। मेरे रूम में क्यों आई तू, मेरे रूम में क्यों आई तू, मेरे रूम में क्यों आई तू, क्यों बता, हाँ बता बता। मैंने अपना शूज़ निकाल लिया है, अब तक मैंने शूज़ नहीं पहना था, अभी शूज़ पहन लेंगे क्योंकि मैं कहीं पे निकल के बाहर जा रहा हूँ। चप्पल पहन के चला गया था तो ठंड बहुत ज़्यादा है, तो कपड़ा वपड़ा लगा के अभी निकल रहे जा रहे हैं तिनियाली, क्योंकि नवा से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से माल आने वाले थे तो गाड़ी से नहीं भेजे, तिनियाली से एक लोग गए थे तो उनके हाथ में ही भेज दिया, तो अभी तिनियाली कहीं किसी फार्मेसी में है तो वहाँ से जाके लेके आना है। तो गाइस देखिए अभी अभी मैंने यहाँ पे बाइक लगा दिया है अपना, अभी बाइक छोड़ के अभी जाऊँगा इस स्कूटी से। देखिए फारजीन यहाँ पे स्कूटी में चढ़ के बैठी है, वहाँ साथ में एक लाइट लेके, लाइट हो तो पूरा मतलब ना दादागिरी चालू, गिर जाएगी। तो अभी मैं इस स्कूटी को लेके जाने वाला हूँ, जो मेरा स्कूटी है, पापा लेके गए थे, तो चलिए चलते हैं। तो वैसे अभी अभी जस्ट मैं तिनियाली आ चुका हूँ, तो चलिए फार्मेसी वहाँ पे है, फार्मेसी से मेरा माल ले लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने अपना फार्मेसी का माल ले लिया है, यहाँ पे स्कूटी में बीच में रख के चलते हैं। तिनियाली में जो आया ना, और एक चीज़ लेना है, और एक चीज़ लेने के लिए मैं भूल गया, चलिए वो ले लेते हैं। मेरे दादी जी का डायपर ख़त्म हो गया है तो वो बाकी रह गया है, चलिए दादी जी के लिए एक डायपर ले लेते हैं। तो गाइस मैंने डायपर ले लिया है दादी जी के लिए, यहाँ पे पूरा का पूरा तीन पैकेट ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे आसपास कहीं भी नहीं मिलता है और दिक्कत हो जाती है तो फिर मिलना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए मतलब थोड़ा डिस्काउंट कटवा के तो ले लिया है। एक महीने के लिए कंप्लीट हो गया है, और अपने लिए एक टोपी भी ले लिया है, देखा। चलिए घर में जाके अच्छी तरह से दिखाते हैं, चलिए चलते हैं वापस, अभी जाएंगे फार्मेसी में। तो गाइस अभी अभी जस्ट मैं आ गया हूँ हमारे फार्मेसी में सिंहमारी, तो यहाँ पर देखिए हमारा नौशद भैया दुकान बंद करके चला गया, और वहाँ पे हमारा भैया बैठे हैं फार्मेसी में, और यहाँ पे है माल, तो माल का डिब्बा पहले ले लेते हैं। यहाँ पे रख देते हैं। और गाइस देखिए मैंने आते ही क्या देखा, ढेर सारा ट्रैक्टर हमारे दुकान के सामने, ढेर सारा ट्रैक्टर हमारे दुकान के सामने खड़ा करके रख दिया है। एक ट्रैक्टर यहाँ पे देखिए गाइस, दूसरा ट्रैक्टर है, और मैं पीछे से आप लोगों को दिखाता हूँ, और गाइस ये है तीसरा ट्रैक्टर। तो ये सोनाली का ट्रैक्टर देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, एकदम जॉन डीरे की तरह दिख रहा है, इतना खतरनाक, इतना अच्छा लग रहा है देखने में। लेकिन मैंने कल बोला था आप लोगों को, इसको हमारे एरिया को एक पार्किंग जैसा यूज़ कर रहे हैं सभी, लाके घुसा देता है यहाँ पे। तो चलिए अभी फार्मेसी में कुछ काम है, काम करके जाएंगे घर। तो दोस्तों अभी अभी जस्ट मैं आया हूँ घर, दुकान बंद करके मतलब फार्मेसी से, और दोस्तों मेरे साथ अभी अभी देखिए हमारी प्यारी सी भतीजी यहाँ पे देखिए डांस कर रही है।
तो देखिए गाइस, खुद का ही कोई गाना सोच के या गाना खुद का ही कुछ उल्टा सीधा गाना अपने मन में गा के, मतलब देखिए कितना प्यार से डांस कर रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को आज का ये प्यारा सा ब्लॉग पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप लोग नए हो तो, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। और प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है और भी ज़्यादा सपोर्ट करिए आप लोग। तो गाइस चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे और नए एक खास ब्लॉग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना।